हमारी फिल्म भोज बगड़ावत भारत बाड़मेर में 21 अप्रैल लक्ष्मी सिनेमा हॉल में रिलीज कर रहे हैं, जो कि कल होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक पारिवारिक, साफ सुथरी और बच्चों के साथ बैठकर देखने वाली मूवी है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें, इस फिल्म को देखें, अपना प्यार दें और हमें खुशी तभी होगी आप इसका रिजल्ट हमें बताएं कि फिल्म कैसी बनी है। यह फिल्म आज के युग की तकनीक की इतिहास को बताती है, जो कि बच्चों को भी कनेक्ट करती है, एक लेसन देती है कि हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे, उनका खान पान, रहन सहन, उनके यूथ कैसे हुआ करते थे। यह एक ऐतिहासिक, रियल और गुज्जर समाज के लोक देवता है। ये उनकी कहानी है, जो महादेव की मुक्ति होती है, उनको एक श्राप मिलता है, वो फिल्म में आपको दिखेगा। और इसके अंदर एक मैसेज भी है, वो मैसेज आप फिल्म देखेंगे तभी डिस्क्लोज होगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर ये बुरी आदत हमने पाल ली तो हमारा आशय, अगर उनका वो हो सकता है तो हमारा क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, फिल्म देखें, आपका आशीर्वाद दें, प्यार दें। जय हिंद, जय राजस्थान। अधिकतर 90% राजस्थान से ही आर्टिस्ट। अब आप ले लीजिए, राजस्थान के थार के राउत भाई हैं, इन्होंने काम किया है, जोधपुर से है, जयपुर से है, मुंबई से भी है, लेकिन टेक्नीशियन सारे ऑल साउथ के हैं, बॉलीवुड के हैं और हॉलीवुड के भी। तो ये एक ऐसी माला है जिसके अंदर सभी जो मोती है अपना अपना प्रयास किया है, एक माला बनी है। आप इस माला को ज़रूर देखें। रेस्पॉन्स नहीं मिलने का एक ही रीज़न है कि आज तक राजस्थानी अपने इतना रिच कल्चर होते हुए भी हम क्या दिखा रहे हैं। राजस्थान में बहन लड़ रही है, माँ को मार रही है, सास को मार रही है, हालांकि ये ठीक है, हो गया सीरियल तक, गरीबी दिखा रहे हैं। अरे राजस्थान रिच है, राजस्थान की संस्कृति रिच है, राजस्थान का इतिहास इतना रिच है, उसे दिखाओ ना, लोग उसे देखना चाहते हैं। वो तो हम दिखा नहीं रहे, क्यों नहीं दिखा रहे, इतना बजट नहीं है, महाराणा प्रताप बजट चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट ले जाते हैं कॉरपोरेट वाले। और बची खुची जो फिल्में बनती है, सास बहू पे जो है वो बन रही है, तो फिर वो दर्शक क्यों देखेगा, वो टेलीविज़न पर ही देख रहा है सास बहू के सीरियल, और वो टेक्निक यूज ले नहीं पाते हैं, और उनकी भी मजबूरी है, क्यों दर्शक नहीं मिल रहे। अगर दर्शक मिलेगा, पैसा आएगा, तो वो खर्च भी तो करेंगे ना उसके ऊपर। तो सबसे पहले ये हम किसी को दोष नहीं दे सकते, अब यह सिस्टम जो है ये सुधारना चाहिए, ये सिस्टम तभी सुधरेगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग फिल्म देखें। बस आप ये समझ लीजिए कि एक तरह की ये आहुति है राजस्थानी भाषा के लिए, तो आप एक दफ़ा ये फिल्म ज़रूर देखें, फिर आप कहेंगे कि नहीं इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, हम देखेंगे। वो भी मिल नहीं पाती है, वो भी दो दो तीन तीन साल तक फाइलें अटकी रहती है, फिर रीज़न दे देते कि आपने क्या किया इसके अंदर, कुछ नहीं है, उस लेवल की फिल्म ही नहीं है, तो हम नहीं दे सकते। आप गिना दीजिए मेरे को, अगर फिल्में मिली हो, अभी काफ़ी फिल्में रिलीज हुई है जो लाइन में लगी हुई है, लेकिन उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो एक तो इसमें सुधार होना चाहिए कि एक इस तरह की कमेटी बने कि वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं, जो सब्सिडी के लेवल की फिल्में हैं, उन्हें सब्सिडी तुरंत दें, ना कि दो दो साल या तीन तीन साल या टाइम लगाए उसमें, क्योंकि एक फाइनेंसर अपना पैसा डालता है तो उसके एक आप देख लीजिए कि करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो वो सब्सिडी के लिए तो बना ही रहा है ना। ये तो है कि वो अपने बिजनेस के लिए बना रहा है, लेकिन बिजनेस तभी होगा जब दर्शक मिलेंगे।